ब्रिटेन में मंगलवार से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इससे पहले हॉस्पिटल तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने सरकार को जानकारी दी है कि अपराधियों का गैंग वैक्सीन तक पहुंच सकता है, इसलिए खास सतर्कता बरती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वैक्सीन के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रिटिश मीडिया में कोरोना वैक्सीन को लिक्विड गोल्ड भी कहा जा रहा है। लिक्विड गोल्ड की डिलीवरी करने वाले ट्रक GPS ट्रैकिंग से लैस किए गए हैं, लॉकिंग सिस्टम और अलार्म भी लगाए गए हैं। ब्रिटेन में वैक्सीन की सप्लाई पर बारीकी से नजर रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है। करीब 50 हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। फाइजर कंपनी ने बेल्जियम से ब्रिटेन को वैक्सीन की डिलीवरी की है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 14,000 सैनिकों को स्टैंडबाय पर रखा गया है और उन्हें किसी भी वक्त काम पर लगाया जा सकता है। वहीं इंटरपोल ने विभिन्न देशों को चेतावनी दी है कि अपराधी लूट को अंजाम दे सकते हैं। इंटरपोल का कहना है कि अपराधियों का समूह वैक्सीन से सप्लाई चेन में बाधा डाल सकता है। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जुर्गन स्टॉक ने यह भी कहा है कि सीमित सप्लाई और भारी मांग की वजह से अपराधियों की नजर में कोरोना वैक्सीन की वैल्यू लिक्विड गोल्ड के बराबर हो गई है। स्कॉटलैंड यार्ड के एक पूर्व जांचकर्ता ने कहा कि अपराधी वैक्सीन से भरी गाड़ी हाईजैक कर सकते हैं और बदले में पैसे मांग सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।